हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैट चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जिसका नाम कटिया है और जिसे डसॉल्ट कंपनी ने प्रोग्राम किया है। ये एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिसे आप मार्केट में देख सकते हैं कि ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क हो गया, लेकिन उसी लेवल से ज़रा एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, तो सॉलिडवर्क में हम देख सकते हैं वहाँ पे टूल एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑटोकैड में सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कटिया जो है, आप 2D डायग्राम निकाल सकते हैं, 3D निकाल सकते हैं और उसके अंदर सिमुलेशन भी कर सकते हैं। और एक एडवांटेज है उसके अंदर, एक कटिया ने एनालिसिस का भी एक पॉइंट प्रोवाइड किया है, तो आज से हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सिलेबस देखते हैं और हर दिन आपको एक वीडियो मिला करेगी और उसके अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्टार्ट बोल के बटन दिया है, उसको क्लिक करने के बाद कुछ सिलेबस ओपन होता है। उसके अंदर से हम मैकेनिकल डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेफ डिज़ाइन, जो AEC प्लांट हो गया, डिजिटल मॉकअप मशीनिंग, ये दूसरे ट्रेड के लिए, इंजीनियरिंग के, जैसा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, उनके लिए ये कटिया एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरे फील्ड इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए तो हम सिर्फ मैकेनिकल डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिलेबस जो है, स्केचर हो गया, पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, फिर शीट मेटल, फिर उसके बाद आता है सरफेस डिज़ाइन, ये और लास्ट में आएगा ड्राफ्टिंग, जो हमें मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है पूरा डिज़ाइन करके। और आप चाहे तो उस डिज़ाइन के ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं या सिमुलेशन भी कर सकते हैं। आपको लगता होगा ये पार्ट बनाया है तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए सिमुलेशन भी प्रोवाइड किया है उन्होंने। तो वो लास्ट में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें स्केचर पढ़ना होगा, बाद में पार्ट डिज़ाइन, फिर उस पार्ट को एक जगह लाके असेंबल करना पड़ेगा। तो चालू करते हैं स्केचर से। ठीक है, तो ये स्केचर है, तो स्केचर क्लिक करने के बाद स्केचर में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हैं ये छोटा सा कॉलम है, वहाँ पे आपको जो स्केचर का, आप स्केचिंग करने वाले उसका जो नेम होगा वो फिलअप कर सकते हैं या लास्ट में कंट्रोल शो करके भी फिल कर सकते हैं। ओके करने के बाद एक ऐसा डेस्कटॉप आ जाता है वॉलपेपर, जहाँ पे हम एक स्पेस होता है, मान लो कि एक बड़ा स्पेस है, वहाँ पे हमें स्केच करना है या डायग्राम निकालनी है, कोई डिज़ाइन करना है किसी चीज़ का, किसी जॉब का या किसी प्रोडक्ट का। तो समझ ले एक स्पेस है, उसके अंदर कर रहे हैं, फिर हमें वो कंस्ट्रेंट करना पड़ता है एक प्लेन के अलोंग, जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन होती है, उसके अलोंग हमें एक कंट्रोल करना होता है, जैसे कंस्ट्रेंट हो गया, फिक्स करना होता है एक जगह पे। और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कटियान ने हमें 3 प्लेन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं बाय डिफॉल्ट, एक्स वाई हो गया प्लेन, वाई जेड हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया, तो ऐसे कुछ प्लेन्स हैं। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कल से हम डिज़ाइन वगैरह स्केचर वो चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये टूल्स फिलहाल तो पार्ट डिज़ाइन के हैं, स्केचर के तो एंटर करने के बाद पता चलेंगे कौन कौन से ये स्केचर के टूल हैं। फिर स्केचर से पार्ट डिज़ाइन में एंटर करने के लिए यहाँ पे एक एग्जिस्ट टू वर्क बेंच होगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने आप पार्ट डिज़ाइन के डेस्कटॉप पे आ सकते हैं और वहीं से एक प्लेन सेलेक्ट करके, फिर यहाँ स्केच टूल होता है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली स्केचर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये वर्क बेंच हो गया। तो यहाँ पे आप जो स्केचर में आप स्केचिंग की है उसके अंदर मटेरियल ऐड या रिमूव, ये
ये दोनों कर सकते हैं। वो पार्ट डिजाइन का वही एक मतलब है कि आप स्केचर में स्केच करोगे और इधर पार्ट डिजाइन में आके वर्क बेंच के अंदर आके आप उसके अंदर मटेरियल रिमूव कर सकते हो या अलग अलग शेप देके मटेरियल रिमूव ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ टूल सेट कर सकते हो। ये टूल हो गए। यदि मान लो कभी गलती से टूल लॉस हो गए तो ये देखिए ऐसे एक करके दिखाते हैं हमको, तो आपको टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप टूल्स में जाके ऑप्शन में जाइएगा, फिर ऑप्शन में जाके सॉरी टूल्स में जाके कस्टमाइज में जाएगा, फिर कस्टमाइज में जाने के बाद आपको इधर एक छोटा सा कॉलम मिलेगा, उस कॉलम के अंदर एक टूल्स बार बोल के एक टूल्स दिया है। अभी तो ये लोड हो रहा है, ये देखिए आप इधर टूल्स बार देख सकते हैं। यहाँ पे रिस्टोर ऑल कंटेंट्स करिएगा, फिर बाद में आके रिस्टोर पोजीशन करने के बाद जो उसकी खुद की जो पोजीशन होगी कट यानी बाय डिफॉल्ट करके दी है वहाँ पे वो अपने आप लौट जाएंगे। जैसा ये देखिए ये अभी इस स्लाइड का कुछ काम तो नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं स्केचर आ गया, फिर जो स्केच बेस्ड फीचर है जो अभी अपने हमने कट किए हैं वो पूरे के पूरे आ गए हैं। तो ये होगा पार्ट डिजाइन का। आप कभी कहीं भी आप असेंबली करते वक्त या फिर स्केचर करते वक्त कहीं भी कटिया में कहीं भी आपके टूल्स लॉस हो जाएंगे, नहीं तो आपको गलती से डिलीट कर देंगे आप, तो यही मेथड है वापस लाने के लिए। नहीं तो आप सीधा यहाँ इंसर्ट में जाके यहाँ पे कुछ टूल्स उन्होंने जो इधर दिए हुए हैं जो टूल्स के लोगो दिए हुए हैं वही इधर एक फॉर्मेट के टाइप में दिया गया है। इधर देख सकते हैं देखिए एनोटेशन हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, वही जो इधर कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रेंट है, वही इधर कंस्ट्रेंट है, जो इधर स्केचर है वही इधर से टूल अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली इधर से कर सकते हैं। यहाँ से जरा आपको हेल्प मिल जाएगी तो यही सही होगा। तो फिर अभी ये प्लेन है तो प्लेन के लिए कभी दिक्कत आ सकती है कि किसी ड्राइंग या फिर स्केच बनाने में कभी आपको लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि टूल्स में गए, फिर ऑप्शन में गए, फिर यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो बाद में ये मान लो पहले जनरली ऐसा आ जाएगा सबका, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने का, फिर यहाँ से पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर डिस्प्ले आएगा, फिर डिस्प्ले के अंदर हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसा। ठीक है, अभी तो मैंने मान लो 20 कर दिया तो अभी छोटा हो जाएगा, वो तो दिख रहा है। फिर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इधर पार्ट एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन दिया है, ये तो एक ट्री डायग्राम बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप इधर ऑपरेशन करते जाएंगे वैसे वैसे उधर वो कमांड ऐड होते जाएंगे, वो ऑप्शन ऐड होते जाएंगे, फिर बाद में जो ऑपरेशन होने के बाद कोई भी दिक्कत आई आपको पैरामीटर चेंज करना है तो डायरेक्टली ट्री डायग्राम में जाके आप चेंज कर सकते हो। आपको एक डेमो दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सर्कल बनाया है मैंने, ये सर्कल होने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर स्केच बन के आया है, फिर उसके अंदर आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। मान लो 120 हो गया तो एग्जिस्ट ओवर बेंच, आप देख सकते हैं कि इधर पार्ट बॉडी में कुछ एक और एक ऐड हो गया ऑपरेशन जो आपने अभी अभी किया स्केच बोल के, तो आप डायरेक्टली इधर से भी एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली सर्कल को क्लिक करके या डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ जाके आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 120 हो गया तो हम कर दें 100, ये पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं, तो ऐसा इसका यूज है, तो ये बढ़िया सा यूज है, आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। जो दूसरे सॉफ्टवेयर में है जैसे ऑटोकैड हो गया सॉलिड हो गया उधर इतना नहीं है इसका इफेक्ट, तो यहाँ पे आप को
वैसे तो घटिया फुल्ली पैरामेट्रिक है, जैसा कि आपने अभी अभी देखा है, हमने जो 120 mm का 100 mm किया है, उसी तरह मान लो कभी आपने पार्ट डिजाइन किया है जो बहुत आगे तक बना है, फिर आपको गलती से याद आया कि कुछ मिस्टेक हुआ है वो, तो 100 का 70 करना है या 50 करना है, तो आप डब वापस स्केचर में जाके उस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। इसी को फुली पैरामेट्रिक कहा जाता है। ऐसा कुछ ऑटोकैड में नहीं होता है। ठीक है, यही कुछ मजेदार चीज है जो कटिया ने प्रोवाइड करके दी है, और इसी से इंटरेस्ट आता है इस सॉफ्टवेयर में। तो यहीं पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।